स्टूडेंट्स, वेलकम वंस मोर इन योर चैनल साइंस पेडागॉजिक्स एंड हियर दिस इज योर साइंस टीचर निशा मैम। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर काइंड ऑफ हेटरोजीनियस मिक्सचर्स, दैट इज सस्पेंशन। आई होप देयर इज नो नीड टू रिवाइज अगेन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटरोजीनियस मिक्सचर्स। हेटरोजीनियस मिक्सचर्स आर दोस मिक्सचर्स व्हिच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। Okay, it means solute particles are not completely dissolved in solvent particles. So suspension, let us define suspension. It is a heterogeneous mixture, means non-uniform composition, in which solid particles are spread throughout the liquid without dissolving in it. It means in this one, a solvent must be in liquid state. So it is clear that one component of these suspensions are in liquid state, and solid particles are not completely dissolved in liquid one. So here solute and solvent, these two components of a suspension, it is already mentioned. Solute is solid in state and solvent is liquid in state. Okay. Examples of such kind of mixtures are chalk water and muddy water. It means if we mix chalk powder in water, then we get a suspension. Because when we keep undisturbed for some time, अगर आप इस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए undisturbed छोड़ दें, तो चौक के हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर की तरफ एक ट्रांसपेरेंट वाटर हमें मिल जाएगा। Similarly, muddy water, when we mix mud in water, means soil in water, we get a kind of mixture. And what is the name of that mixture? Us mixture ka kya naam hai? That is suspension. Now let us discuss the characteristic properties of suspensions. First, it is a kind of heterogeneous mixture. Second one, the size of solute particles is more than 1000 nanometer. इट मीन्स जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़ी होती है। अगर हम उनकी साइज की बात करें और इतने बिग पार्टिकल्स हैं, सो वी कैन इजीली सी दीज पार्टिकल्स विद अवर नेकेड आईज, मीन्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ डिवाइस टू सी दीज पार्टिकल्स। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आईज। नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, If they are able to see these particles with naked eyes, means if they are enough big in size, उनकी साइज इतनी बड़ी है कि हमें अपने आईज से वो दिखाई दे सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है इन पार्टिकल्स को देखने के लिए, तो इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट भी ज़रूर होता होगा। इट मीन्स इफ वी कीप दीज टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब, अगर आप इन मिक्सचर्स को कुछ टाइम के लिए बिना डिस्टर्ब किए, यानी बिना उसको हिलाए, बिना किसी मूवमेंट के अगर आप कुछ समय के लिए ये मिक्सचर्स रख देंगे, तो क्या होगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, बिकॉज दे आर बिगर इन साइज, सो दे विल बी सेटल डाउन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। इट मीन्स सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सॉल्यूट पार्टिकल्स कुछ टाइम के बाद में सेटल डाउन हो जाते हैं। सो सस्पेंशन शो पिंगर इफेक्ट ऑल्सो। अगेन this effect or this property is related with the size of the particles. When we just fall a beam of light, अगर इन mixtures के ऊपर एक light की beam को allow किया जाए या fall किया जाए, तो क्या होगा, solute particles इतने ज़्यादा बड़े हैं कि वो light की beam को scatter कर देंगे, light के path को scatter कर देंगे, और उसका result क्या होता है children? Result ये होता है कि light की path जो है वो visible होना शुरू हो जाती है, means पार्टिकल्स साइज इज इनफ बिग दैट दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, एंड दिस प्रॉपर्टी और दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज टिंडर इफेक्ट, मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स और बाय द मीडियम। द नेक्स्ट इज सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। हाउ कैन वी सेपरेट बाय फिल्टर पेपर, यानी अगर हम सस्पेंशन के सॉल्यूशंस, मीन्स मडी वाटर या चॉक वाटर को फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स 1000 नैनोमीटर से भी बड़ी साइज के हैं, सो दे आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएंगे, एंड वी कैन सेपरेट द सॉल्यूट और सॉलिड पार्टिकल्स बाय फिल्ट्रेशन मैथड।
तो फिल्टर पेपर पे हमें क्या मिलेगा, रेजिड्यू एंड प्रेसिपिटेट जो है वो फिल्ट्रेट हमें फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएगा, विच वुड बी क्लीन वाटर, कंपैरेटिवली क्लीन, नॉट सो क्लीन बट क्लीन वाटर. सस्पेंशंस आर अनस्टेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनस्टेबल हियर? मींस एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यू दैट अगर हम इन मिक्सचर्स को, सस्पेंशन को, यानी मडी वाटर या चॉक वाटर को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो हैवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर हमें एक ट्रांसपेरेंट वाटर मिल जाएगा. सो चिल्ड्रन, इफ वी टॉक अबाउट द टिंडल इफेक्ट, दीज टू प्रॉपर्टीज आर कोरिलेटेड. हाउ दे आर कोरिलेटेड? अगर सस्पेंशन मींस सॉल्ट मडी वाटर या चॉक वाटर फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, देन वी कैन से इट शोज टिंडल इफेक्ट. क्लियर चिल्ड्रन? इन दैट कंडीशन इट शोज टिंडल इफेक्ट. बट इफ that suspension is prepared before some time and the heavier particles are already settled down. अगर heavier particles पहले से ही settled down हो गए हैं तो उस condition में suspension tinder effect show नहीं करते हैं. यानी tinder effect जो है वो suspension particles के थ्रू दोनों situation होती है. Freshly prepared suspension always shows tinder effect. जबकि अगर कुछ समय पहले बनाया गया सस्पेंशन है जिसमें हैवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन हो चुके हैं तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे. ओके, सो दिस इज द नेचर, मींस दीज आर अनस्टेबल. व्हाई दीज आर अनस्टेबल? बिकॉज आफ्टर सम टाइम सॉल्यूट पार्टिकल्स जो सॉलिड स्टेट में हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं. सस्पेंशंस आर ईदर ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर. At what time they will be opaque? Freshly prepared suspensions are opaque because at that time, at the initial stage or just after the formation, solid particles remain suspended in the solvent or solution. But that after some time, heavier particles will settle down, वो settle down हो जाएंगे और इस कारण से suspension जो mixture है वो क्या हो जाएगा? Translucent in nature. यानी चिल्ड्रन, सस्पेंशंस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं. वो डिपेंड करता है वेदर दे आर फ्रेशली प्रिपेयर्ड और द दे प्रिपेयर बिफोर सम टाइम्स, मींस हैवियर पार्टिकल्स आर ऑलरेडी सेटल डाउन. अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड है देन दे विल शो टिंडल इफेक्ट एंड द सॉल्यूशन वुड बी ओपेक सॉल्यूशन. ओके, बट इफ द हैवियर पार्टिकल्स ऑलरेडी सेटल डाउन देन दे विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट एंड they would be translucent in nature. And what are the examples of suspensions? Chalk water, muddy water, soil plus water. These are of solute dissolved in given amount of solvent at given temperature is called as solubility. Children, in this definition we use two factors, amount of solvent. So there must be a relationship between the solubility of a substance and amount of solvent. इफ़ वी इंक्रीज द सॉल्वेंट, अगर हम सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. अगर हम सॉल्वेंट का अमाउंट डिक्रीज कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 ml ऑफ वाटर है और आप उस 100 ml ऑफ वाटर के अंदर 4 टेबल स्पून शुगर उसमें डिजॉल्व ईजिली कर सकते हो. नाउ इफ वी एड मोर अमाउंट ऑफ शुगर इन दैट गिवन सॉल्यूशन, अगर 100 ml में हम 4 टेबल स्पून शुगर से ज़्यादा शुगर डिजॉल्व करते हैं और वो डिजॉल्व नहीं होती है, मीन्स दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन रीच्ड अप टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इफ वी वॉन्ट टू एड मोर अमाउंट ऑफ शुगर इन दैट वन, वी कैन एड मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मीन्स वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. एंड इफ वी वॉन्ट टू डिक्रीज दैट अमाउंट देन वी कैन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. यानी सॉल्वेंट के अमाउंट को इंक्रीज करके सॉल्युबिलिटी इंक्रीज की जा सकती है और सॉल्वेंट के अमाउंट को डिक्रीज करके सॉल्युबिलिटी डिक्रीज की जा सकती है. सो व्हाइल राइटिंग द डेफिनेशन वी हैव टू मेंशन दीज वर्ड्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. द नेक्स्ट फैक्टर इज अमाउंट ऑफ एट द गिवन टेम्परेचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिवन टेम्परेचर? आपके लिए ठंडे पानी के अंदर मीन्स कोल्ड वाटर के अंदर शुगर डिजॉल्व करना इजी है या हॉट वाटर में डिजॉल्व करना इजी है? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि मैम हम हॉट वाटर में शुगर इजीली डिजॉल्व कर सकते हैं और वी कैन इजीली डिजॉल्व शुगर इन हॉट मिल्क आल्सो.
Okay, why? Because as the temperature increases, solubility also increases. And as the temperature decreases, solubility also decreases. So here, these two terms should be mentioned while writing the definition of solubility. Amount of solute dissolved in given amount of solvent at given temperature is called as solubility of any substance. Solubility depends on two factors. First is temperature and second one is pressure. So now we will discuss the effect or the relationship of solubility with temperature as well as pressure. As we know, children, that any solute means it can present in three states, either solid, liquid or gas. So each state of matter have different relationship with temperature and pressure. If we talk about solid, agar hum solids ki baat kare, sugar plus water. So by increasing the temperature, the solubility of solids will be increased. Okay. And this relationship is called as directly proportional. Yani solubility of solid is directly proportional to temperature. By increment in the temperature, we can increase the solubility, and by decrement in the temperature, we can decrease the solubility of solids. Okay. Second state is that liquid. By liquid, same, increasing temperature, solubility of liquids increases. By decreasing temperature, solubility of liquids decreases. So again, the solubility of liquid is directly proportional to temperature. So these are the situation with the two states of matter, solids and liquid. Now next is gaseous state. What is the relationship between the gases and temperature? Okay, as we know that if we increase the temperature of solution, आप जस्ट इमेजिन करो कि आपने किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज किया. नाउ यू वांट टू ऐड ऑक्सीजन इन इट और एनी अदर गैस इन दैट सॉल्वेंट, व्हाट वुड हैपन बेटा? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गैशियस मॉलिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. और अगर किसी भी सॉल्यूट, वो जो गैशियस स्टेट में है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो सॉल्यूशन को एस्केप करके एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स हो जाए, तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. यानी गैसेस की सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ में डिक्रीज होती है. और टेम्परेचर डिक्रीज यानी टेम्परेचर को अगर हम कम करते हैं तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज इनवर्सली प्रपोर्शनल. यानी अगर आपने एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर आपने एक क्वांटिटी को डिक्रीज किया तो डिपेंडेंट क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी. भाई हम तो बिल्कुल रिवर्स अपना बिहेवियर शो करेंगे. एंड गैसेस हैव इनवर्सली प्रपोर्शनल रिलेशनशिप विद द टेम्परेचर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज प्रेशर. सॉल्युबिलिटी का प्रेशर से क्या रिलेशन है? इफ इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, पार्टिकल्स आर कंपैरेटिवली क्लोज टू ईच अदर. पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में दोनों कंपैरेटिवली पास पास होते हैं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें ज़्यादा होता है. इसी कारण से प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पर एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज पार्टिकल्स ऑलरेडी क्लोज है. अगर आपने प्रेशर अप्लाई कर भी दिया तो सॉलिड में पार्टिकल्स तो पास में आते ही नहीं है, एंड इन केस ऑफ लिक्विड देयर इज अ लिटिल बिट चेंज. सो देयर इज नो सच रिलेशनशिप ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर. इट मींस प्रेशर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी की. गैसेस की सॉल्युबिलिटी, जितना ज़्यादा आप कंप्रेस करोगे गैसेस के मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा पास में आएंगे, क्योंकि दे हैव वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. वो पहले से ही इतना दूर हैं, उनमें इंटर पार्टिकल स्पेस इतना ज़्यादा है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स पास में आते जाएंगे, और पार्टिकल्स जैसे जैसे पास में आते जाएंगे वो किसी भी लिक्विड में ईजीली डिजॉल्व हो सकते हैं. सो here there is relationship between solubility of gases are directly proportional to pressure. It means आप जितना pressure increase करेंगे उतना ही gases की solubility increase होती चली जाएगी. So this is about solubility. Again just a quick recap,
क्लोज करने से पहले वापस रिकैप करना है. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी. ऑन विच फैक्टर सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स? इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर. इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट दे डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड गैसेज. व्हेयरएज इन केस ऑफ गैसेज solubility is inversely proportional to temperature. By increasing temperature, solubility decreases, and pressure, by increasing pressure, solubility of gases increases. Okay, so children, there is one formula to calculate the solubility of any solute, whether it is found in solid state or liquid state or in gaseous form. So what is the formula of this one? Solubility is equal to amount of solute divided by amount of solvent. Okay, amount of solvent at given temperature. This is the formula of solubility.